बड़ी कोर्ट में गोली मारांगे मेरी जान, मक्खन जज के भी आवेंगे पसीने देखिए। अगर बैन करवाना है गाना, ये बोल रहे हो कि भाई बैन होगा गाना, तो बैन हमारे गानों से पहले बहुत गाने बदमाशी आए हैं, वो भी होने चाहिए। जो बॉलीवुड की फिल्म आ रही है जिनमें मतलब कि जज के शमी गोली भी लाग जाए हैं, जज के खुद कई मार दे हैं, उन फिल्मा नहीं बैन करवाओ तो नॉर्मल मतलब टेंशन ना ले। सब कलाकारों के साथ ऐसा कुछ होता है तो उन्होंने तो गाने की तो बात छोड़ रहे थे कि गाने सुन के ना कोई बदमाश बने, कोई बदमाश नहीं बनता भाई, एंटरटेनमेंट खातर बना हुआ, प्यार तो सुन लिया। गाने आजकल जितने भी कलाकार सारे बदमाशी गाने करने लग रहे हैं, मैंने गाना करे मेरा गाना चल गया तो ये लोग आंख हाज होगी। हाथ जोड़ के विनती है, हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि आपके मतलब कि किसी वकील के प्रति किसी जज के प्रति मतलब कोई द्वेष हमारा कोई ऐसा मैटर सारे दर्शकों ने सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। हाल फिलहाल की बात करा तो भाई पुठी गांव में मौजूद हाँ, और जो लाइव फुटेज आप देख रहे हो और जो शख्स मेरे पास बैठा है, नाम का मोहताज नहीं है, पहचान का मोहताज नहीं है, राहुल पुठी, जिसके गाने डीजे पर धूमठा रहे हैं। पीछे भाई का गाना आया था, आप सोचोगे कि भैया उस गाने का इंट्रू है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस गाने ने लगभग 40-45 दिन एक डेढ़ महीना हो लिया भाई, और मान लो एक तरफा माहौल बना रखा है, आर पार सिस्टम जिसने हरियाणा में कहा कर रहे हैं वो कर रखा है भाई, जिसकी लाइन थी कि मतलब के थी भाई साहब वो लाइन वो लाइन थी भाई, बड़ी कोर्ट में गोली मारांगे मेरी जान, भाई साहब नू नहीं गा के, क्योंकि कंपोजिंग में आंटते भाई साहब गाया था उस तरह ही आंटते हो। बड़ी कोर्ट में गोली मारांगे मेरी जान, मक्खन जज के भी आवेंगे पसीने देखिए। बड़ी कोर्ट में गोली मारांगे मेरी जान, हो जज के भी आवेंगे पसीने देखिए। और पसीने भाई साहब रुमाल लेके दूं, पसीने आ रहे हो तो ना भाई, अपना कोई पसीने नहीं आ रहे। तो कहने की बात यह भाई, यो जो गाना था यो लोगन फील करया, बहुत ज्यादा फील करया, इसकी तकरीबन 1 मिलियन तो ऊपर जो है स्टोरी इंस्टाग्राम पर बन ली है भाई, छोरिया ने सारे ने रील लगाई है इसके ऊपर, ब्याह में डीजे के ऊपर ब्याह सावे चल रहे थे बहुत लगातार, मान लो 10 मत 8 नवंबर तो गाना बाजे है। लेकिन इसका प्रभाव भाई के ऊपर अच्छा पड़ना चाहिए था भाई, थोड़ा और ऊपर ना जावार और बढ़िया गाने आवे, लेकिन कारण क्या हो गया कि एक वकील साहब थे उन्होंने भाई के ऊपर केस कर दिया। किस लाइन के ऊपर कर भाई साहब? भाई मेरे ऊपर नहीं, जो टीम के मेंबर थे अंकित बाल्याण जो उसमें मॉडल था जी, और फिजा चौधरी डायरेक्टर, अमित बिश्नोई, गुलशन शर्मा कंपनी के ओनर जी, नहीं गुलशन शर्मा है वत्स रिकॉर्ड के मालिक, हाँ वत्स रिकॉर्ड के मालिक, ठीक है, हम सब के खिलाफ आशु ट्विंकल जो फीमेल सिंगर थी हाँ, उनके सब के नाम लिखवाए हैं FIR में। वकील साहब का नाम है तरसेम सिंह केरा, टुआना से, सूत्रों के अनुसार बेरा लग गया, मैंने कि टुआना से हैं वो। अच्छा, वो लाइन की थी जो उनका अलर्ट कर गई, पूरा गाना पे बुरा मान रहे हैं भाई वे, कि ये भाई कोर्ट को और वकीलों को मतलब एक ठेस पहुंचा रहे हो आप लोग। मैं कहा ऐसा कि मैं कौन भाई, देख मारी औरतें कोई ठेस पहुंची हो तो सॉरी, मारा कोई ऐसा मोटिव नहीं था, हम गाने बनावा हाँ सचिन भाई देखो एक बात बताओ, हमारा कोई सा मोटिव नहीं था कि हम किसी ने गलत दिशा में लेके जावा, सारे समाज एक गलत दिशा में जाने लग रहे, हमारा कोई सा मोटिव नहीं था, एंटरटेनमेंट के लिए बनाया था, एंटरटेनमेंट के लिए सुनो, कोई दिल पर मत लो भाई साहब। एक लाइन थी उसमें एक यार मारे खड़े हैं वकीला की ड्रेस में, ऐसा कुछ था, के लाइन थी था। बड़े बड़े बाल तू होया किस वेश में, यार मेरे खड़े हैं वकीला की ड्रेस में, ये थी भाई। तो वकीला की ड्रेस में जो आपने वर्ड यूज किया कि भाई वकील यानी कि बदमाशी का गाना, और उसमें आपने वकील दोस्त बता दिए कि भाई कोई भी अगर मैटर हो जाए है तो वकील सुलझ लेंगे, तो क्या पता उसी कारण तक नहीं, वो मैंने दोस्त नहीं बताए, आप उसको प्रॉपर तरीके से सुनो, यार मेरे खड़े हैं वकीला की ड्रेस में, यानी कि वो वकील नहीं है, वकीलों की ड्रेस में है, ठीक है, ये ऐसा वो था। और दूसरी बात देखो, बॉलीवुड की फिल्म भी बने, हॉलीवुड की बने हैं, आप ही बचपन तक आप इतने बड़े हो गए, मैं तो छोटा हूँ तर्त भाई हाँ, आप ये हमेशा फिल्म देखते आने लग रहे हैं सचिन भाई, फिल्मों में ना कट कर मैं मतलब पुलिस वालन मार दे हैं, जज के गोली मार दे हैं, जो बॉलीवुड की फिल्म होती है ना,
महाराज एक छोटा सा गाना था, इस गाना पे इतना बड़ा विवाद छिड़ दिया, वे फिल्म आज तक बैन नहीं हुई है। भाई साहब छोटा सा गाना क्यों है, जिस गाने के 1 करोड़ तो ऊपर व्यू है, 1 महीना नाश्ता रखा है, जिसने डीजे पर लगातार बजन लग रहा है, तो आप उसने 2.5 मिनट का वैसे शॉर्ट टाइम गाना कह सको, लेकिन छोटा गाना तो नहीं है, जिसने एक मतलब यूथ ने एक नई सेंसेशन दे दी डीजे पे, मतलब बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं जिनके गाने बजाया करे हैं, मैं किस किस के नाम गिनाऊं, जिनके लगातार आर पार सिस्टम पीछे भी कराया था, और ईव आपने आर पार सिस्टम कर रखा, तो फिर बात तो आपके ऊपर आ गई ना भाई। बताऊं आर पार है ये पब्लिक की बदौलत, आपा की मैं को नहीं, ठीक है, हम तो एक छोटे से कलाकार हैं, कलाकारों के चरणों की धूल भी नहीं है अभी, तो कलाकार तो बनना बाकी है मेरे भाई, मेहनत करने लग रहे हैं और करते रहेंगे, मेरे तो सारे सीनियर हैं, और सारे बदमाशी गाने आजकल जितने भी कलाकार सारे बदमाशी गाने करने लग रहे हैं, मैंने गाना करे मेरा गाना चल गया तो ये लोग आँख आज होगी। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई जो ऊपर ने उठाया करे उसने, जो हरियाणा का कबड्डी मशहूर है तो वह चीज़ होना नीचन पड़ी खींचे हैं, हाँ वो कैची मारे हैं कैची मारे हैं, हाँ कैची मारे हैं भाई। तो मतलब आप यू कह रहे हो कि भाई सुहाण कौन हो रही है, नहीं बरोबरी है ना मेरे तक, मैंने समाज में जो मतलब जो आप तो मान लो भाई आपका नाम सुनकर जिनका जलन हो भाई ये ऊपर नहीं क्यों चले, नहीं भाई ऐसा कुछ वो नहीं है, मेरा पूरा गांव मेरे को तय दिल से सपोर्ट करता, जब मैं एक बोल पर गला खड़े पावे मेरा पूरा गांव मेरे को अच्छी तरीके से सपोर्ट करता, मेरा भाईचारा मैंने देखने वाले सपोर्ट करें, जब तो 1 महीना 1.5 करोड़ भी हो गए यार भाई, बिल्कुल अरे आर पार सिस्टम कर दिया, आर पार तो पब्लिक ने कर दिया, अपन तो गा के पब्लिक तक पकड़ा दिया था, मतलब पीछे नंगड़ गाना आया था सुरेंद्र म्यूजिक का, उसने आर पार कराया था, इवकाड़ जो ये ब्याह सावे चल रहे इसमें भरे कोर्ट में, जिसका ब्याह तक कोई ताल्लुक नहीं है फिर भी वो बजा लग रहे भाई नंगड़ गाना देखो बोतंडी गाना है, भाई राकेश माजरिया ने लिखा और बड़े भाई सुरेंद्र रोमियो ने गाया, बहुत अच्छा गाना है भाई, एक टेस्ट हुआ है पब्लिक का, फोक और बदमाशी दो चीज चल रहे हैं, ठीक है बदमाशी आजकल चलने लग रही है, तो बदमाशी हमने गाना कर दिया, पब्लिक ने प्यार दे दिया सूत्र। तो फिर एक बात बताओ आप नु कह रहे हो भाई बदमाशी बॉलीवुड की फिल्मों का नाम लेने लग रहे हो, हरियाणा के हॉलीवुड के गाने का नाम लो, पंजाबी गाने में भी बदमाशी चल रहा है, फिर आड़े इस गाने पर भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान भाई गाना नहीं आता, नहीं लगा के सुना दो, और इसको ऊपर दिक्कत कितना है इस पर, देखो मन हमने तो बेरा नहीं भाई कड़ा दिक्कत है, क्योंकि यार 1.5 करोड़ लोगों में से अगर ये गलत होता ना तो 1 करोड़ लोग हमारे खिलाफ होते, बिल्कुल होते ना, मतलब कमेंट बॉक्स चेक करा तो उसमें भी कोई नेगेटिव आपको ऊपर नू नहीं है कि यो के बना दिया, हाँ ठीक है 1.5 करोड़ लोगों ने देख लिया, उसमें से 1 करोड़ हमारे खिलाफ होते, अगर गलत होता तो 1.5 करोड़ में से एक बंदे का दिक्कत हुई है, वकील साहब तरसेम सिंह जी केरा टोहाना से है ना वो मैं बताया, उनके दिक्कत हुई उस लाइन पे कि यार मेरे खड़े हैं वकीला की ड्रेस में भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान, जज के भी आओगे पसीने देखिए, अरे जज साहब की इमेज का हमें भी पता है, वकील साहब आपकी इमेज का ही पता है, वकीलों की क्या इमेज है, जज साहब की क्या इमेज है, हमें सब पता, देखो इतने पढ़े लिखे हम भी हैं, हमने भी मतलब कि 2-4 किताब तो पढ़ी होंगी, 5-7 क्लास तो पढ़ी है ले नहीं पढ़े तो हम आपकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, आप इन गाना दिल पर मत लो वकील साहब, हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए गाना था एंटरटेनमेंट करो, मतलब वकील साहब तब तक आपका कोई संपर्क नहीं बन पा रहा है, वही तो दिक्कत है कि कोई संपर्क नहीं हुआ फिर भी FIR करवा दी, वकील साहब ने मतलब पूछना तो चाहिए था ना भाई, देखो मेरे इस गाने तैयार दिक्कत हो रही है, इस गाना तैयार दिक्कत है, एक तो बना दिया आग ना करिए है ना, एक तो ये चीज होती है भाई, हम उसने माइंड में रखते इस चीज ने रख के आगे कोई गाना करते तो कोई ना तो बातचीत हो ना कि मैं और सीधा FIR करवा दी सबके नाम, ले भाई ये है समन वगैरह भी आया है ना भाई कि मैं समन ना आया ना कोई अपन दुरकोल आई ना कि मैं बात, बस वो अखबार की हेडिंग आई थी कि भाई नुनू इस गाने पर पंगा हो गया, इतनी बात आई थी भाई, और फिर जो है अच्छा आम जनता का कितना सपोर्ट, जब तक यह बात सनसनीखेज खबर फैली है कि भाई राहुल पुट्ठी के ऊपर और उसकी टीम के ऊपर इस गाने पर मतलब कि जो इस गाने ने धुमाल मचाया है उस गाने को ऊपर केस हो गया है, तो कितना सपोर्ट मिल रहा है भाई, सारे भाई मेरा भाईचारा मेरी गेल खड़ा है, जमाता है दिल ते मेरा पूरा गांव मेरी गेल खड़ा है, ठीक है जितने मेरे कलाकार परिवार हैं सारे गेल खड़े हैं, और मन की चाहिए मेरे देखने वाले मेरे गेल है ना, तो मेरे ख्याल में कि मैं नहीं चाहिए, ये वह भाई हैं कि जो वकील ड्रेस में खड़े
नाइसी की बात तो ना भाई नहीं फिर भी मतलब फिर केस हुआ है तो आपकी तरफ से भी तो तर्क है, आपने भी तो कार्रवाई करनी पड़ेगी ना तर्क, आपने भी तो वकील करना पड़ेगा, आपने भी तो केस अगर रियलिटी में होया बात बताओ। सुनो सुनो वही तो बता रहा हूँ कि वकीलों की हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, बतड़कन मारा कि में दिक्कत हो जाए गाना छोड़ो, गाने से अलग कोई पारिवारिक कोई बात हो जाती है तो हमने भी वकील करना पड़ा है, हम भी हमने भी मेरा वकील नहीं की इमेज है जज साहब की क्या इमेज है, समझते हो ना। तो हाल फिलहाल की बात यह है कि मन में संतुष्टि है आपका, डर नहीं है कोई भी? कोई डर नहीं भाई, कोई सा मानस नहीं मार रखे हमने, हमने गाना कराया था, उस गाना भी इतना बड़ा पंगा कोई इतना बड़ा इश्यू भी नहीं था, ये गाने इस तरह वाले आवेंगे आ रहे हैं और मार तो पहले भी बहुत आ लिए ठीक है, तो आगे भी इस तरह कोई गाना लेने की सलाह है? बहुत गाने आओगे भाई, देख फोक भी आओगे बदमाशी भी आओगे, गाने तैयार पड़े हैं बस लॉन्च करने रह रहे हैं। अरे हाल फिलहाल में एक आधा गाना तो बताओ ना जो जल्द में कोई आना है। सरप्राइज है भाई, बताऊं को नहीं तो टीम तो बता सको ना किसके साथ आने वाला है? नहीं बहुत से गाने आने हैं, वो टीम भी सरप्राइज है और सरप्राइज मतलब मार्केट ना बेरा लाग जाएगा, हम बेरा पढ़ लिया करा भाई, सब नहीं बताओगे तो कोई बात तक ना तम पत्रकार लोगो तम भी कोई छोटी चीज नहीं है मेरे भाई, तम भी एक समाज का आईना हो और कलाकार और पत्रकार समाज का आईना होते हैं जो समाज की बातें लोगों तक पहुंचाते हैं भाई, नु है पत्रकार आम भाषा में बोल के बता दे, कलाकार जो भाई वो गाना में या डांस के माध्यम से फनकार कह लो फनकारी का द्वारा दिखावे हैं। हाँ तो ईव अच्छा जिस टाइम पे घर क्या बेरा पटिया बेरा लग गया भाई छोरा के ऊपर नुनू हो गया तो घर क्या क्या रिएक्शन, घर क्या रिएक्शन ही हुआ था भाई तू टेंशन ना ले तरह ना कोई सा कि मैं वो कर रहा, कहते रहते पहले भी बहुत से कलाकार हैं जिनके सबके गाने आ रहे हैं बदमाशी आ रहे हैं, और देखो ये जो FIR हुई है हर एक कलाकार के साथ बीत्या करा ये दौर, और मेरे तो अलावा भी बहुत कलाकारों के लिए बीत्या है भाई, सबकी FIR भी हुई है, सब पर केस भी चल रहे हैं, इसे कि मैं मैटर ना है, ये कलाकार जो होता है ना वो उनको इन दौरों से गुजरना पड़ता है, मतलब कोई भी अच्छा काम करना चाहो तो भाई मुश्किल रास्ता में आऊंगी। यस तो आपके इससे पहले की बात करा तो यो जो है भाई गायकारी लगा लो कितने साल पहले भाई? मैं 7-8 साल का था तब तक, मतलब कि गांव में कोई कीर्तन हो जाते जागरण हो जाते रागनी कोई प्रोग्राम होता स्कूला में 26 जनवरी 15 अगस्त होती उड़ गा लिया करते, गांव वाले प्यार प्रेम सुथरा दे दिया करते, दूसरी बात मेरा दादा गाया करता भाई, मेरा ताऊ गाया करता, मेरे चाचा गाँव है और मैं गाँव हूँ, हमारा तो पूरा परिवार गाँव है। अच्छा तो फिर आपने भाई गुरु तो जरूरी है, गुरु किसने बनाया? मेरे गुरुजी रामेर मेहला जी हैं भाई। अच्छा गारणपुरा थे? हाँ गारणपुरा थे, मेरे गुरुजी रामेर मेहला जी हैं, 7-8 साल का था मैं तब से उनके साथ में हूँ था और हमेशा रहूंगा। तो गुरुजी ते कोई बातचीत हुई आपकी इस बारे में? हाँ गुरुजी तो बात हुई थी, नोला वो जो कॉपी है वो मेरे पास भेज लेसी, कोई इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, सुलट जाएगा कोई मतलब वकील साहब भी भाई उनने भी सोचनी चाहिए एक बार फोन करके तो पूछना चाहिए था, तो नॉर्मल मतलब टेंशन ना ले सब कलाकारों के साथ ऐसा कुछ होता है, तो उन्हें तो नहीं कहा था भाई। अच्छा मतलब कि परिवार चाहे वो कलाकार परिवार हो चाहे घरवाला परिवार हो चाहे समाज का परिवार हो और गुरुजी सारे आपकी सपोर्ट में खड़े हैं? सारे सपोर्ट में हैं, तय दिल तय है और हमेशा रहेंगे। तो मतलब माथे पे शिकस्त का हार का कोई वो नहीं है भैया के बन गई मेरी? अरे यार इसी की बात है यार, दोबारा फिर बताऊं सचिन भाई इतनी बड़ी बात तो ना है यार, ठीक है आजकल नुकम है कि भाई इन गाने तो समाज एक अलग दिशा में जा भाई, मारे गाने तो अलग दिशा में जा रहे हैं, तो मारे गाने माँ बाप के ऊपर भी हैं। हाँ आपका एक गाना आया था 4 साल पहले माँ बाप की इज्जत करके, माँ बाप की इज्जत ऑडियो लॉन्च करी थी हमने, उस गाने के 4 साल में सचिन भाई 15,000 व्यू है, और इस गाने के जिसके ऊपर बवाल चढ़ रहा है उसके एक महीने में 1.5 करोड़ भी है। तो आप देख लो लोग की सुने हैं तो लोगों का टेस्ट जो है भाई देखो जो आदमी खाओगा वो अभी परोसांगे। देखो एक बात बताओ गाने सुनता अगर कोई बदमाश बनता ना तो गाना माँ बाप की इज्जत सुन के कोई शर्मन नहीं बना। सही बात, और बदमाश बना तो फिर आज का दिन तो सारा हरियाणा सारा हाँ ठीक है सारा हरियाणा घर घर में बदमाश होते भाई, अगर ये बदमाशी गाना की बात करा तो माँ बाप की इज्जत गाना सुन के कोई शर्मन नहीं बनता। गौ माता की ठीक है, गौ माता की रागनिया भी गाई हमने स्टेज करता हूँ सबसे ज्यादा, हमने गौ माता की रागनी का कोई हरफुल जाट जुलानी वर्गा नहीं बनया, तो गाने की तो बात छोड़ देते क्योंकि गाने सुन के ना कोई बदमाश बने, कोई बदमाश नहीं बनता भाई, एंटरटेनमेंट खातर बना हुआ प्यार तो सुन लिया करो भाई। कारण क्या है राहुल भाई
फिर बताऊं गाने आजकल जो जनता है ना फील करने लगी, नंगड़ गाना आया था उसमें भी जो है ना घर पटन लगे थे आप सिंगर लोग है ना आप इस ताले गाने काटने लगे लोग दिल पर ले जाए घर हम उस बात ने प्रैक्टिकली करने लगे। नहीं नंगड़ गाना भी देखो हम तो कहने देखो ना भाई ये कोई गलत गाना है, नंगड़ एक फनी कॉमेडी गाना है भाई, मस्ती वाला गाना बनाया था आपने भी मस्ती मस्ती में मजाक मजाक में गाना कर दिया। हाँ मैं आ रहा ऐसा क्यों मैटर ना था भाई, किसी गैंगस्टर के साथ बहुत से लोग ने कहा इसका तो गैंगस्टर लाइन तक कॉन्टेक्ट है ये वो, भाई इस छोरा का किए गैंगस्टर लाइन तक कॉन्टेक्ट हो ये देख लो भाई लोअर टी शर्ट में बैठा बंदा अपना कोई कॉन्टेक्ट नहीं मेरे भाई, आप ही सीधे सादे हो हमारे बड़े बुजुर्ग जो पहले कहा करते नचनिए गाणिए देशी भाषा में बुरा नहीं मानना चाहिए किसी कलाकार ने यार भाई मानो तो मानना चाहिए अपने कौन सी झोटी खोलोगे, सच्चाई तो हमेशा देखो सच्चाई कभी झुकती नहीं, आप ही नचनिए गाणिए हाँ थे और हमेशा रहेंगे, आप ही लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं यार वो एंटरटेनमेंट आपको ऊपर भारी पड़ने लग रहा है ना, कोई बात को नहीं पब्लिक चितलग है ना इतने की मैं को नहीं हो मेरे भाई। अच्छा पब्लिक मतलब ये बात अपने जनता को ऊपर छोड़ रखी भाई देख लो तारा वाला यह चीज है और यह चीज वकील साहब ने टवाने थे जो बता रहे हैं उनने यह चीज प्रॉपर संपर्क मतलब सूत्र पक्के तो होंगे ना सच्चाई बात तो होगी कदे वैसे उड़ती उड़ती भाई स्क्रीनशॉट है मेरे द्वारा जो अखबारा के भी हैं और उनके नाम भी हैं, तरसेम सिंह केरा है मतलब केरा करके ऐसा कुछ नाम है उनका और प्रॉपर एड्रेस मेरे को पता नहीं है भाई टवाणा से हैं फतेहाबाद से हैं या कहाँ से हैं ठीक है। हाँ तरसेम सिंह नाम है उनका वकील साहब है वो, दिल से रिस्पेक्ट है वकील साहब आपकी और इन गाने देखो दिल पर ना लो, अगर बैन करवाना है गाना ये बोल रहे हो कि भाई बैन होगा गाना तो बैन हमारे गानों से पहले बहुत गाने बदमाशी आए हैं वो भी होने चाहिए सारा ने लपेटो आप तो फिर तो फिर उनने भी करो। और दूसरी बात जो बॉलीवुड की फिल्म आ रही है जिनमें मतलब कि जज के शमी गोली भी लाग जाए हैं जज के खुद कई मार दे हैं उन फिल्मा नहीं बैन करवाओ वे तो आज तक को नहीं हुई है भाई, मैं अकेला क्यों फिर वो चढ़े गए गुण भी पिछो मतलब सारे बराबर करो फिर एक एक लाठिया को सब एक समान करो सब ने, ये अकेला राहुल पुट्ठी का नाम क्यों, अकेला राहुल पुट्ठी नहीं मतलब अकेली या ये टीम क्यों यो ये गाना क्यों यो ये गाना क्यों जिद्दी मतलब बात तो यही है ईशे गाना ने क्यों टारगेट किया, गाने तो बहुत पहले बहुत आ रहे हैं और मारे तो भी गाने बड़े बड़े आ रहे हैं यार भाई सही बात है। तो हाल फिलहाल की बात यह है भाई राहुल पुट्ठी जिसने गाना गाया था कि भाई भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान अर्जज कभी आओगे पसीने देखिए, आज वो बंदा घर में बैठा है और मीडिया लगातार उसका घर ना लाग रही है, जनता इसकी बात सुनने लाग रही है, वकील साहब जो है थोड़े से परेशान हो गए गाने तो थोड़ा हर्ट करके थोड़ा उनका जो है चुभ की वह बात कहना मैं ठीक रहेगी। तो वकील साहब से एक बार फिर तक क्योंकि देखो यार वीडियो तो सारा जाएगी वकील साहब तो क्या कहना चाहूँगा, वकील साहब से यही कहना चाहूँगा तरसेम सिंह जी हाथ जोड़ के विनती है, हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि आपके मतलब कि किसी वकील के प्रति किसी जज के प्रति मतलब कोई द्वेष हमारा कोई ऐसा मैटर नहीं था, आप दिल पर मत लो, आपकी दिल से रिस्पेक्ट है थी और हमेशा रहेगी और मजे लो मतलब कि गाना के इन पर कोई ऑब्जेक्शन ना उठाओ, अगर ठाणे हैं तो सब पठाओ। मैंने जिक्रा सुना था भाई साहब सपना चौधरी गाना है सपना चौधरी भाई भाभी अपनी अच्छा ठीक है आवा अपना घर भर का काम है सपना मैडम की गेलिया और बहुत गाने आने सपना गेलिया आने हैं भाई नू मैं भाई तो गाना था मेरा पार लिया करा बताओ नहीं कि इसका मतलब यू थोड़ी हमने पता ही नहीं लगा हम सारी कवर रखनी पड़े भाई आने हैं 23 तारीख को हमारी शूटिंग है, एक गाना मैंने और रिंकल योगी जी ने गाया है जी आर भाई ने म्यूजिक दिया है एस एस राणा राणा कडाला जो आजकल तो हमने गाना सुना हुआ है ढाई ढाई लाख वाले ले ले बीस तू 18 लाख उसने लिखा है हमने गाना गाया है और सपना मैडम उसमें लीड रोल करेंगी 23 तारीख की शूटिंग है जल्दी आपके बीच में होगा देख लो भाई मैं बता ला रहा हूं मेरा पढ़ लिया कर रहा है देख लो भाई ने खुद ने बता दिया होगा टीम भी बता दी कौन कौन रोल करेंगे किसने लिखा है किसने गाया है किसने डायरेक्ट किया है और कौन इसमें लीड रोल में है सारी बता दी भाई ने हम सारी बात आप तक पहुंचाते रहे चिंता मत करो आज तो राहुल पुट्ठी का यह मैटर पहुंचाया आगे भी गाना होगा जब भी भाई दोहरा लेंगे मोस्ट वेलकम होगा वैसे मोस्ट वेलकम तारा कर है मैं नहीं भी हूँ बार भीतर हूँ तो तम करना उसको कोई बात तक होना तारा कर भाई बहुत अच्छी बात है जनता ते ही के कहना चाहोगे लास्ट में सब जनता ते भाई तम बताओ नीचे कमेंट करके कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं सही ही हूँ
मतलब मैं गलत हूँ या सही हो तारे ऊपर डिपेंड है, गाना तारा खातर बनाया था, थम गाना ने प्यार प्रेम देने लग रहे हो तो नीचे कमेंट करके ही बताओ कि हम गलत है, ये गाना गलत है क्या भाई। हमारे सचिन भाई का जो चैनल है इसने सारे लाइक करो, शेयर करो, और जितने भी मेरे भाई देखने लग रहे हैं सारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई, कि कोई भी बात, कोई भी इंटरव्यू, किसी की भी पर्सनली जिंदगी आपके तक पहुंचाते हैं ये, तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, चैनल सब्सक्राइब कर लो सारे भाई। बहुत अच्छी बात, हाल फिलहाल की बात यह है भाई, पुट्ठी मंगल खा गांव में बैठे हैं, राहुल पुट्ठी मार दौरे बैठे हैं, नू कहण मैं और सुतराड़ा का मैं राहुल पुट्ठी दौरे बैठा हूँ भाई, भाई का घर में बैठा हूँ, लेकिन भाई ने मेरा घर बता दिया तो अपने घर में बैठे हैं। और जो है भाई के ऊपर तो आना था जो है वकील साहब उन्होंने केस कर दिया है, अब जनता का हवाले है, जो 1.5 करोड़ लोग जिन्होंने वो गाना सुनया और जिन्होंने वो सरा दिया, इतना चढ़ा दिया गाना, अब उनको पर है भाई, उन अच्छे मतलब अच्छा लगे है तो कोई कारण होगा, तो उन तभी रिक्वेस्ट है कि वो दोबारा उस गाना सुने और उसके ऊपर कॉमेंट करे भाई हमने यह चीज़ अच्छी लगी। क्योंकि देखो वकील भी मतलब एक बंदा तो है नहीं, मतलब पता नहीं कितने हजार लोग वकील हैं, वकील साहब तो हर शहर में, हर घर में, हर गाँव में वकील होते हैं। देखो वकील को छोटी चीज़ नहीं होती, वकील बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे भाई, जज साहब, वकील साहब, ये हमारे समाज का आईना होते हैं, समाज को सुधारते यही है। बिल्कुल ठीक है, ये नहीं कि मतलब कि भाई हम एंटरटेनमेंट करा हमने सुधारण में लग जाओ, हमने कोई सा गलत काम थोड़ी कर रखा। अच्छा आपका बेस्ट गाना जो आपने बेस्ट लगाया करो भाई, मैंने मेरा जो बेस्ट गाना है भाई, मेरे सारे बेस्ट हैं, कलाकार के सारे बेस्ट होया कर, आपका जो आपने नू लगा कर भाई, यो मेरा खुद की निजी विचार के कौन सा गाना आपने अब तक का नू लगा भाई, यो निजी विचार मेरा एक ही गाना फेवरेट है, मेरे गुरु जी रामर मेला जी ने लिखा था, मन ने गाया था, मॉडलिंग भी उन्होंने करी थी, गाने का नाम था सत्थन, दो लाइन होता हो तेरी तू तू मैं रोज प्यार ते मुखी रे, हो तेरी तू तू मैं रोज प्यार ते मोखी रे, हाय जुनसी साथ निभा देवा साथन चोखी रे, जुनसी साथ निभा देवा साथन चोखी रे, जुनसी साथ निभा देवा साथन चोखी रे। क्या बात है, बहुत सुंदर आवाज की धनी और बहुत सुंदर लेख की भाई की, तो ऐसे ही आप जो है राहुल पुट्ठी भाई आगे भी नुई लिखते रहो, नुई गाते रहो और हम तई एंटरटेनमेंट देते रहो और हम खुश होकर डीजे पे ब्याह शादियां में उन गाने बनाते रहो। हाँ भाई दोबारा फिर कहना चाहता हूँ, कोई भी दिल पर ना लिया करो, ये गाने हैं, गाने तो गाने होते हैं, ठीक है, ये सिर्फ मजाक खातर बने, मजे खातर बने भाई, 2-2.5 मिनट का गाना है, आदमी दो बार नाच ले उसके ऊपर, डीजे पर डीजे आलन जाके नु कहते फलाना गाना लगा रहे राहुल पुट्ठी का, ले भरी कोर्ट में गोली मारा है त्रिजान वो बजा उसके ऊपर नाचांगे, तो आदमी एंटरटेनमेंट हो उसके। और भाई का इस गाना के ऊपर आपका क्या कहना है, और भाई की बात आपने कितनी अच्छी कितनी गलत लगी, अगर गलत लगा तो भी बता दियो और अच्छी लगा तो भी बता दियो भाई, और जो भाई का सपोर्ट में है वो जरूर नू लिख दियोगा, हम राहुल पुट्ठी के सपोर्ट में, बाकी सारे तकरीबन मनु मानू 100% नू कहेंगे अब भाई हम सपोर्ट में हाँ। और वकील साहब तई भी नहीं कहना चाहूँगा भाई, देखो फनकार हैं, कलाकार हैं, मैं तो बहुत छोटी चीज़ हूँ, आप तो ज्ञानवान हो, इस देश की रीढ़ की हड्डी हो, मतलब आप न्याय दो हो लोगों ने, तो इस बात पर गौर करो, और छोटा सा गाना है, टीम ने मजाक मजाक में एंटरटेनमेंट खातर ये गाना बना दिया, इतना फील ना करो, और भाई के ऊपर जो चीज़ है उन चीज़ों को अच्छा पैसा दफा कौन सी लगी, मैं ये प्रश्न भूल गया था भाई, ना तो मैंने दफा का बेरा ना कि मोर, हमने तो वो अखबारों की हेडलाइन देखी थी कि भाई इस गाने पे ऐसे ऐसे बैन किया जाए, इनकी FIR कट रही हैं, हमारे सब की FIR कटवा रखी हैं, ना मैंने दफा का बेरा ना कि मोर। तो भाई अब जनता के हवाले है चीज, जनता के बीच में राहुल पुट्ठी खड़ा है, यह रिक्वेस्ट करा भाई जनता देख लो, और आगे भी राहुल पुट्ठी भाई की भी आगे की अपडेट के लिए और भी जितने भी कलाकार हैं हरियाणा के हॉलीवुड के उनके अपडेट के लिए चैनल ना सब्सक्राइब कर लियो, चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई, अपना खुद का चैनल है, अपना खुद का चैनल है, अपना खुद का घर है, हर खुद का बेड के ऊपर बैठा हूँ भाई, फिर कहने लग रहा हूँ वीडियो ने लाइक कर, जो भाई ने चाहे हैं वो शेयर जरूर कर दियो, आप ने अगर गाना को पसंद आया वो भी बता दियो और दूसरे तरह भेज दियो। और भाई कैमरामैन सोमेश धांगड़ के गेल भाई, पत्रकार सचिन कुमार, फिर सारे दर्शकान मेरी राहुल भाई की राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।